आधार कार्ड से फोन पे कैसे चालू करें, यानी यहाँ पर आधार कार्ड से फोन पे का फुल केवाईसी कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आपको फोन पे का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर फोन पे पर आ जाएंगे। यहाँ से फोन पे ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे। तो हमने यहाँ पर फोन पे इंस्टॉल कर लिया है। अब हम इस ऐप को ओपन करते हैं। अब जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, जिस भी मोबाइल नंबर के थ्रू आप फोन पे में अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद आपको प्रूफिड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको प्रूफिड कर देना है। प्रोफिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वह ओटीपी यहाँ पर ऑटो रीड हो जाएगा। आप यहाँ पर ओटीपी एंटर कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम ओटीपी एंटर कर चुके हैं, वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और आपका यहाँ पर फोन पे में अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपका यहाँ पर फोन पे में सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट हो चुका है और आपके सामने फोन पे ऐप का कुछ प्रकार इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर हम फोन पे का पहले मिनी केवाईसी करेंगे, उसके बाद फुल केवाईसी होता है, कैसे करना होगा कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फोन पे का प्रोफाइल का आइकन देखने को मिल जाएगा, आपको इसी पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर फोन पे के प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करेंगे, यहीं पर हमको ऑप्शन मिलता है फोन पे वॉलेट का, तो आपको इसी पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहले मिनी केवाईसी करना होगा। तो यहाँ पर पैन कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट है, तो यहाँ पर आपको चेंज का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर पैन का सेलेक्ट रहने देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर और पैन कार्ड पर नेम है, वह नेम यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद सबमिट करेंगे। तो हम यहाँ पर पैन नंबर और पैन कार्ड पर जो भी नेम है एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर सबमिट वाला ऑप्शन आ चुका है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर सबमिट किया, आप देख सकते हैं हमारा वॉलेट यहाँ पर सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है, यानी मिनी केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम फोन पे का फुल केवाईसी करेंगे। उसके लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपग्रेड वॉलेट का, और उसी के सामने स्टार्ट ओवर का ऑप्शन मिल रहा है, तो हम इसी पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद वाई अपग्रेड माई वॉलेट, क्या इसके बेनिफिट हैं। यहाँ पर आप 2 लाख रुपए तक टॉप अप कर सकते हैं। पहले हमने मिनी केवाईसी किया तो उसका लिमिट था यहाँ पर 10,000 रुपये, लेकिन यहाँ पर फुल केवाईसी का लिमिट है यहाँ पर अप टू 2 लाख रुपए। और यहाँ पर आपको फुल केवाईसी करने के लिए 5 स्टेप कंप्लीट करनी है। आपका यहाँ पर वॉलेट का फुल केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे अपग्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपग्रेड वॉलेट पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर हमारा पैन नंबर देखने को मिल रहा है। तो अभी हमने मिनी केवाईसी किया था, वहाँ पर हमने जो भी पैन नंबर एंटर किया था वही पैन नंबर यहाँ पर आ चुका है। अगर आपसे गलती से यहाँ पर मिस्टेक यहाँ पर गलत पैन नंबर एंटर हो गया, तो अब आप यहाँ पर सही से पैन नंबर एंटर कर दें। उसके बाद पैन कार्ड पर जो भी नेम है यहाँ पर एंटर करें, और यहाँ पर पैन कार्ड पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद आप यहाँ पर वेरीफाई पैन डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। तो सभी डिटेल्स एंटर कर चुके हैं, वेरीफाई पैन डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद पैन कार्ड वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आधार वाले ऑप्शन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको बस आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, या आप यहाँ पर वर्चुअल आईडी, या आप यहाँ पर वर्चुअल आईडी भी एंटर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आधार वाले ऑप्शन पर टिक रहने देते हैं। 12 डिजिट का जो आधार नंबर होता है हम यहाँ पर एंटर करते हैं। तो जैसे ही हमने आधार नंबर एंटर किया, आप देख सकते हैं वेरीफाई आधार डिटेल्स, तो आपको इसी पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओके, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।
अगर आपके आधार कार्ड से कोई मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप यहाँ पर फुल KYC नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पर आधार OTP एंटर करते हैं। आधार OTP एंटर करने के बाद अब हम यहाँ पर सबमिट करते हैं। जैसे ही हमने सबमिट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर आधार कार्ड सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं, कॉन्ग्रेट्स। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस होगा वह एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर किसी अदर एड्रेस पर रहते हैं तो इस बॉक्स पर अनटिक करके नया एड्रेस एंटर कर सकते हैं। तो हम इसी एड्रेस पर रहते हैं, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले पेरेंट डिटेल्स, तो आप यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप फादर मदर कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फादर नेम एंटर कर देना है। ओके, फादर नेम एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है। आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ, जो भी हो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका एनुअल इनकम कितना है यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। क्या आप यहाँ पर नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो एरो पर क्लिक करेंगे। किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, सन, ब्रदर, डॉटर, जो भी हो, तो यहाँ पर आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर फादर वाले ऑप्शन पर टिक करते हैं, यहाँ पर आपको अपना फादर नेम, फादर के आधार कार्ड पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद प्रोसीड करेंगे। तो हम यहाँ पर सभी डिटेल एंटर कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। अब जैसे ही हमने प्रोसीड किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर हमको वीडियो वेरिफिकेशन करना होगा, यानी वीडियो KYC। उसके बाद हमारा वॉलेट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा, यानी हमारे फोन पे का फुल KYC कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टार्ट वीडियो वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले आपको अपने पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड रख लेना है। ओके, ओरिजिनल पैन कार्ड रखना है। ओके, और यहाँ पर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। जिस जगह आप वीडियो KYC कर रहे हैं वहाँ पर लाइट अच्छा होना चाहिए। आप यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आपको क्या करना, स्टार्ट वीडियो KYC पर क्लिक करना। उसके बाद फोन पे का एजेंट आपका यहाँ पर वीडियो KYC के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका वीडियो KYC कंप्लीट हो जाएगा और आपका यहाँ पर फोन पे का फुल KYC भी कंप्लीट हो जाएगा। Thank you.